हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक होने वाला है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आपका वार्डरोब मेसी है, ऑर्गेनाइज नहीं है, सो आपको कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए, कोई भी चीज़ निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी यूज़ होगा। सो इसलिए हम आज बात करने वाले कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आप अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को भी ज़रूर हिट करिए। सो जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है वो है डी क्लटरिंग का। सो कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है क्लीन करना एंड डी क्लटर करना। सो अगर आपको वार्डरोब को भी अगर आपको ऑर्गेनाइज़ करना है तो आपको उसको सबसे पहले डी क्लटर करना पड़ेगा। डी क्लटर मतलब आपको इस वार्डरोब में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको चेक करनी पड़ेगी कि आपके इसमें से कौन सी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, कौन सी डिस्कार्ड करना चाहते हो और कौन सी रीयूज़ करना चाहते हो। सो मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ मैंने साड़ी रीयूज़, दुपट्टा यूज़, कुर्ता रीयूज़ के बारे में बताया है। सो अगर आपको कोई ऐसे कपड़े हैं जो आपको फ़िट नहीं आते, साइज़ का इशू है, बट आपको उनको फेंकना नहीं है, तो आप मेरे ये वीडियोज़ चेक कर सकते हो। इनसे आप अपने कपड़े जो है वो रीयूज़ कर पाओगे। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपके जो वार्डरोब में है वो स्पेस थोड़ी फ्री अप हो जाएगी। जो कपड़े जो आपको नहीं चाहिए वो आप निकाल दोगे, किसी को दे दोगे, डोनेट कर दोगे या डिस्कार्ड कर दोगे। सो इससे आपके जो वार्डरोब में स्पेस है वो थोड़ी फ्री अप हो जाएगी, जिससे कि आपको ऑर्गेनाइज़ करने में ईजी होगा। आप उसमें नई चीज़ें रख पाओगे एंड उसको आपको पता भी रहेगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। सो अगर आपका वार्डरोब बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है तो इस स्टेप के लिए डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर ये स्टेप करने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको किन कपड़ों की ज़रूरत है, आपको किन कपड़ों को रखना है एंड किन को निकाल देना है। एक बार आपकी इस तरह की किस्ट सॉर्टिंग हो जाए उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फाइंडिंग राइट स्पेस फॉर एवरीथिंग। सो बेसिकली आपको अपने वार्डरोब में एक प्रॉपर स्पेस ढूंढनी है जहाँ पर आप अपने जो डिफरेंट कैटेगरी के कपड़े हैं वो उनको आप रख सके। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने सारे जो टॉप्स एंड टी शर्ट्स होते हैं वो रखती हूँ। मेरे पास ज़्यादा जीन्स नहीं है सो मैंने उनको फोल्ड करके साइड में ही रखा है। मेरे बैंगल्स जो है मेरे इस तरीके के बैंगल बॉक्स में रखती हूँ। जो छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स है वो इस तरीके के बॉक्सेस में रखती हूँ। एंड इस तरफ मैं रखती हूँ अपने ऑफिस वेयर के कपड़े, जो कि ऑफिस वेयर कुर्ती एंड लेगिंग्स या प्लाजो होते हैं वो रखती हूँ। इससे क्या होता है कि जो आपको पता होता है कि आपको कब किस तरीके के कपड़े रिक्वायरमेंट होंगे एंड आपको बस उसी में डायरेक्टली मिल जाएंगे। सो अगर मुझे ऑफ़िस जाना है सो मैं डायरेक्टली ऑफिस के स्टैक में से अपने कपड़े निकाल सकती हूँ एंड कैजुअल वेयर के चाहिए तो उस स्टैक में से निकाल सकती हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है चूजिंग करेक्ट ऑर्गेनाइजर्स। सो मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट दोनों में ही, जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने वार्डरोब के साइज़ के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास बहुत हैवी क्लोथ्स है शादी वगैरह में पहनने के लिए, जैसे कि ऐसे मेरे पास हैवी साड़ीज़ है, उसको आप इस तरह की साड़ी कवर में रख सकते हो। इससे क्या होगा कि इसमें जो वर्क करी हुई है, हैवी वर्क करे हुए, वो एक दूसरी साड़ी से टच नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा एंड डस्ट एंड ह्यूमिडिटी से बचा के रखेगा। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजर चूज़ कर सकते हो। ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइज़र भी आपको ऑफलाइन मार्केट में एंड अमेज़ॉन वगैरह पर भी ईजिली मिल जाएंगे। मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। दूसरा मेरे पास है ये एक ऑर्गेनाइज़र बैग, ये भी मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है। सो बेसिकली इसमें भी मैं अपने जो हैवी कुर्ती एंड हैवी ड्रेसेस होती है उनको स्टोर करके रखती हूँ। अगेन ये डस्ट एंड ह्यूमिडिटी से बचाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके वार्डरोब में फिट आ जाते हैं। इनकी जो साइज़ है वो अच्छी खासी है, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं एंड ये मेरे वार्डरोब में तो बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। सो आप अपने वार्डरोब के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से आप इनको चेक कर सकते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, सेट ऑफ थ्री में लिए थे। मैं इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे। मैं कुछ के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल स्मॉल आइटम्स, जैसे कि वॉचेस।
तो अगर आपके पास ये बहुत सारी वॉचेस हैं या आपके ड्रॉअर में ऐसे ही पड़ी हुई रहती है तो आप इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। मार्केट में अच्छे से वॉच ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं सेपरेटली, बट अगर आपको खर्चा नहीं करना है तो आप इस तरीके के पाउच में उनको रख सकते हो। ये मेरे पास ज्वेलरी का पाउच है, आप उसमें रख सकते हो, या फिर आप जो मोबाइल के बॉक्सेस होते हैं वो बॉक्सेस काफ़ी स्टडी होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, आप उनमें उनको स्टोर करके रख सकते हो, बहुत ही अच्छे से आपके वॉचेस रह जाएंगे उसमें। नेक्स्ट आते हैं कैप्स की तरफ। सो कैप्स भी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, एंड जब आपको चाहिए होती है तो वार्डरोब के किसी कोने में पड़ी होती है एंड वो मिलती नहीं है। सो मैं इस तरीके के जो कैप्स है वो मैं जो ऊपर वाले रॉड होते हैं उन पर लगा के रखती हूँ, इससे जब भी चाहिए वो कैप्स इजीली मिल जाती है एंड जो मेरी ऊपर की जगह वेस्ट हो रही है वो भी यूज़ हो जाती है। सो आप भी कुछ इस तरीके के हैक्स ट्राई कर सकते हो एंड अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रख सकते हो। सो आई होप इन टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से आपको अपने वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प मिली होगी एंड ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। सो ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। मैं मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में।